मैं ऑटो ग्लोबल इक्विपमेंट से यशदेव भारद्वाज आज एमटेक मोटर इटली के कार्बन ब्रश चेंज करने का ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी लोगों को दिक्कत होता है कि कार्बन ब्रश मंगा तो लेते हैं लेकिन वो लगा नहीं पाते हैं। यूरोप से मंगाया हुआ मोटर है, आप देख सकते हैं, और हैवी ड्यूटी एमटेक वर्ल्ड में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जिसका ये मोटर होता है। बाकी चाइना के बहुत मोटर हैं लेकिन इसका क्वालिटी और इसका परफॉर्मेंस अलग ही होता है। अभी हम इसको एक बार लगा के देखते हैं कि नए कार्बन हम कैसे लगाएंगे, कैसे इसका कार्बन निकालते हैं। इस तरह से इसको प्रेस किया जाएगा, इसी तरह से दूसरी साइड को प्रेस करेंगे। ये बाहर की साइड निकल जाएगा कैप इसका। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके थिम्बल को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये कार्बन होल्डर है पूरा। अब ये सिल्वर कलर में आ रहा है, पहले ब्रास में आता था। अभी हम थिम्बल निकालने के बाद में क्या करेंगे कि प्लायर से इसको पकड़ेंगे और बाहर की तरफ को पुश करेंगे। आप देखेंगे इजीली ये कार्बन निकल जाता है। अभी क्या होता है कि कार्बन ये लॉक आता है, तो जब लॉक होता है तो इसको जब इस तरह से आता है कार्बन, मैंने पहले वीडियो में दिखाया भी है, इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं हमारा। इस कार्बन को हम जरा सा इसे ऊपर की तरफ को प्रेस करेंगे तो ये बाहर को निकल जाएगा। पहले आता इस तरह से बंद है, अगर हम इसको देखेंगे तो बंद होगा, लेकिन अभी कुछ लोग सोचते हैं कहाँ से आए तो तोड़ भी लेते हैं इसको। तोड़ना नहीं है इसको, हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ को प्रेस करना है, ये बाहर की तरफ निकलेगा। इसके बाद में फिर अभी जब नया आया आ गया हमारे पास में, तो ब्रास का आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ब्रास का हो या ये स्टील टाइप में हो, नो प्रॉब्लम उससे। सीधा इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको पूरा प्रेस कर देंगे, ये लॉक हो जाता है, इसमें लॉक होता है। और उसके बाद फिर हम इस थिम्बल को पूरा पुश कर देंगे, लॉक हो गया, अब खिंचेगा नहीं। अगर हम स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रेस करेंगे तभी बाहर को आएगा। इसी तरह से दूसरी साइड को भी कर लेंगे, उसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सेम प्रोसेस है। और इसके बाद आप इसका कैप लगा सकते हैं। कैप सिंपल है, कुछ भी नहीं है कैप लगाने में, लगाएंगे और नीचे की तरफ को प्रेस कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है हमें कि लगाने के बाद में ये जो इसकी फैंस है वो लगना नहीं चाहिए इस बॉडी में, अगर लगेगा तो स्मेल आने लगता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ये भी टूट जाते हैं, तो कई बार लॉक नहीं भी होते हैं, कई बार लॉक नहीं भी होते हैं और वो तिरछा लगा रहता है, तो उसको हमें दबा देना है पूरी तरह से, जब तक लॉक हो जाए तभी इसको छोड़ना है। अगर दोस्तों ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूरतमंद लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी भेजें, जिससे मुझे लगे कि अगर हमारे लाइक्स ज़्यादा हैं, व्यूअर्स ज़्यादा रहेंगे तो हम अगले वीडियो भी बनाएंगे। अभी हम लोग अगला वीडियो जो बनाने वाले हैं, वैक्यूम क्लीनर से मोटर कैसे निकालते हैं पुराना, और नया मोटर कैसे उसमें डालते हैं, मेनली कॉमर्शियल वैक्यूम क्लीनर।
तो नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ, लोगों को ज़रूरत है आगे हमारी वीडियो देखने के लिए। और नए प्रोडक्ट का कोई भी आप चाहते हैं, कोई भी वैक्यूम क्लीनर में आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑटो ग्लोबल इक्विपमेंट से यशदेव को सुन रहे थे, और ये टेक्निकल कुछ था जो पता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।